जंगल की दुनिया काफी जालिम है। यहाँ टॉप प्रीडेटर के स्थान पर अपनी जगह बनाना आसान है, लेकिन उसी जगह पर अपना रुतबा कायम रखना मुश्किल है। हालांकि जरूरी नहीं कि बड़े आकार के जानवर ही जंगल पर राज करें, लेकिन अब जब हम आक्रामक, गुस्सैल, शार्प दांत और मजबूत मांसपेशियों वाले जानवर पर विचार करते हैं तो जहन में पहला ख्याल शेर, बाघ और लियोपर्ड जैसे खौफनाक जानवरों का ही आता है। इंसान मानता है कि ये शानदार हंटिंग स्किल्स रखने वाले जानवर ही जंगल की दुनिया में अपना दबदबा रख सकते हैं। ऐसे जानवर कभी किसी जंग में मात नहीं खा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी शेर को भी मुंह की खानी पड़ती है और अपने शिकार से हाथ धोना पड़ता है। बड़े जानवरों का शिकार बनने वाले छोटे जीव भी अपने डिफेंस में इतने कमाल के होते हैं कि लाख साजिश और चाल के बाद भी वो अपने शिकारियों को चकमा देने में कामयाब होते हैं। आज के वीडियो उन्हीं जानवरों को डेडिकेटेड है, वो जानवर जो शिकारी के खौफनाक और खूंखार हिंसक हमलों से भी खुद को बचाना जानते हैं। आज की वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है, आपको ऐसे अटैक देखने को मिलेंगे जो काफी रोमांचक है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सफर को। शुरुआत करते हैं इस पहले क्लिप से, जहां पूरी रफ्तार के साथ दौड़ते हुए हरे पर बाज का हवाई हमला हुआ है। बाज पूरी ताकत के साथ हरे की ओर बढ़ता है, लेकिन ये जीव इस हमले को डॉज करने के लिए एक हैरतअंगेज करतब दिखाता है। वो हवा में छलांग लगाकर शानदार तरीके से लैंड करता है और मौका देखते ही वहां से भाग जाता है। ऐसे करतब को देखकर तो लगता है कि मानो यह बरसों से जिम्नास्ट कर रहा हो, और तभी इसके पास इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी है। वाइल्डबीस्ट एंड क्रोकोडाइल। तालाब के किनारे पर जब कभी जीव पानी पीने के लिए आते हैं तो मगरमच्छ को अपने लिए शिकार का बेहतर मौका मिल जाता है। ये जीव टॉप प्रीडेटर है जो किसी भी शिकार को नहीं छोड़ दे, लेकिन कभी कभी बेहद कोशिश के बाद भी इनके हमले विफल हो जाते हैं। इस क्लिप में वाइल्डबीस्ट प्यास बुझाने के लिए तालाब के किनारे आता है, लेकिन वो नहीं जानता कि तालाब के अंदर बैठा मगरमच्छ पहले से ही उसके शिकार के इंतजार में बैठा है। अचानक ही मगरमच्छ वाइल्डबीस्ट पर झपट पड़ता है और अपने नुकीले दांत उसके शरीर में गड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वाइल्डबीस्ट बहादुरी और तेजी के साथ सभी हमलों से बचते हुए वहां से भाग जाता है और इतनी मेहनत के बाद भी शिकारी मगरमच्छ भूखा रह जाता है। क्रोकोडाइल वर्सेस डियर। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए, जहां तालाब के किनारे पानी पीते हुए बेबी डियर को नहीं पता कि उसकी जान कितनी खतरे में है। मगरमच्छ हवा की रफ्तार से बेबी डियर की तरफ बढ़ता है और उसके सर को अपने मजबूत जबड़ों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन यह नाजुक जान भी एक्टिव मूड में है और जो खुद को मगरमच्छ की पकड़ में आने से बचा लेता है। कमाल का ये शॉट है। लियोपर्ड वर्सेस हॉर्नबिल। वो कहते हैं ना कि चीते की चाल कभी भी मात नहीं दे सकती है, लेकिन इस क्लिप में ये कहावत काम नहीं करती, क्योंकि जरूरी नहीं कि लियोपर्ड के सभी हमले उसके फेवर में ही काम करें। इस क्लिप में हॉर्नबिल का शिकार करने के लिए लियोपर्ड काफी देर तक छिपकर इंतजार करता है और उसके उड़ने पर जबरदस्त जंप लगाकर अपने पंजों का कमाल भी दिखाता है, लेकिन अफसोस इतनी मेहनत के बाद भी हॉर्नबिल बचने में कामयाब हो जाती है और लियोपर्ड के चंगल से 9-2-11 हो जाती है। लियोपर्ड वर्सेस क्रोकोडाइल। लियोपर्ड जब फॉर्म में आते हैं तो वो शिकार के टॉप प्रीडेटर से भी उलझने को तैयार रहते हैं। अब इस क्लिप को ही देख लीजिए, जहां ये जीव मगरमच्छ को मरा हुआ समझकर उसकी पूंछ को काटना शुरू कर देता है और उसे भोजन बनाने की फिराक में रहता है, लेकिन उसे अपनी इस भूल का आभास बहुत जल्दी हो जाता है जब मगरमच्छ पूरी ताकत से लियोपर्ड के सिर पर हमला करता है और फिर लियोपर्ड को हारे हुए मुंह से अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि सोते हुए शेर के मुंह में हाथ डालोगे तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। लियोपर्ड वर्सेस वाइल्ड बोर। चीता रफ्तार का राजा है, यहाँ तक कि शेर भी चीते की तेजी के सामने कुछ नहीं। इस जीव को हरा पाना जंगल के काफी जीवों के लिए नामुमकिन जैसा है। देखा जाए तो वाइल्ड बोर और चीते का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इस क्लिप में वाइल्ड बोर जिस रफ्तार से चीते के हमले को डॉज कर रहा है वो काफी काबिले तारीफ है। चीता वाइल्ड बोर को शिकार बनाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन ये सुअर बार बार दिशा बदल कर खुद को बचाने की कोशिश करता है। आखिर में चीते को कंफ्यूज करके सुअर भाग ही जाता है। ऐसे ही एक और क्लिप आपको दिखाते हैं, जहां जंगल घूमने आए टूरिस्ट के सामने ही सुअर और चीते के बीच जंग छिड़ जाती है। सुअर को अपना शिकार बनाने के लिए चीता उसकी पीठ पर हमला करता है, लेकिन वाइल्ड बोर पूरी ताकत के साथ चीते को पीठ के बल गिराकर उसे चारों खाने चित कर देता है। इस हिमाकत से आक्रामक होकर चीता फिर वाइल्ड बोर पर टूट पड़ता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वहां हाइना भी शिकार के लिए आ धमकता है, लेकिन ये जंगली सुअर चीते के चंगुल से निकल कर फिर उसे हरा देता है और मौका लगते ही वहां से भाग निकलता है। हैरानी की बात है कि हाइना और चीता दोनों की मौजूदगी में शिकार उनके सामने से निकल जाता है और वो हाथ मलते रह जाते हैं। लायन अटैक्स एंटीलोप बेबी।
शेर को जंगल का राजा किसी खास रूप से ही कहा जाता है, क्योंकि इसके चंगुल से शिकार का निकलना नामुमकिन हो जाता है। अगर आप भी यही सोच रखते हैं तो चलिए आगे के क्लिप पर नजर डालिए, जहां इनका शिकार इनकी पकड़ से भाग जाता है। और ये रही पहली क्लिप, जहां शेर ने पूरी ताकत के साथ एंटीलोप बेबी को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन इतनी रफ्तार के साथ भी वो बेबी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बेबी डियर दिशा बदलकर इस हमले से भाग निकलता है। लायन अटैक्स बफेलो। भैंस को हराना शेर के लिए बाएं हाथ का खेल जरूर हो सकता है, लेकिन इस क्लिप में शेर शेरनी मिलकर भी भैंस को अपने काबू में नहीं ला पाते। आप देख सकते हैं कि शेर ने भैंस के पिछले हिस्से पर हमला किया है और उसके शरीर में दांत गड़ा दिए हैं। वहीं शेरनी भी इस शेर का साथ देने के लिए भैंस को मारने पर उतारू है। ये जीव खुद को बचाने के लिए टूरिस्ट की गाड़ी से जा भिड़ता है और शेर को अपनी पीठ से नीचे गिरा देता है। उसके हटते ही ये विपरीत दिशा में तेजी से भाग जाता है और वापस मुड़कर नहीं देखता। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शेर की प्रजाति में शिकार करने का जिम्मा शेरनी के कंधे पर होता है और ये जीव हमेशा झुंड में शिकार करते हैं। लेकिन झुंड में किसी पर भी हमला करने का ये मतलब कतई नहीं है कि आपको हमेशा जीत ही हासिल होगी। कभी कभी शिकार की बुद्धिमानी शेर की ताकत को मात दे जाती है। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां शेरनी का झुंड मिलकर भी विल्डबीस्ट को गिराने में असफल हो जाता है। तेजी से दौड़ते हुए विल्डबीस्ट को पकड़ने के लिए पहले शेरनी हमला करती है, लेकिन ये उसके हमले से बचकर आगे बढ़ता है। उसके बाद ये सामने मौजूद दो शेरनियों के ऊपर से छलांग लगाकर बड़ी तेजी से निकल जाता है। इस पूरे हमले के दौरान शेरनियों का झुंड विल्डबीस्ट को काबू करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आज का दिन लगता है कि विल्डबीस्ट के फेवर में है। लायन अटैक ज़ेब्रा। ज़ेब्रा को स्पॉट करना और उन्हें टारगेट करना किसी भी जानवर के लिए इसलिए आसान होता है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप की वजह से ये कैमोफ्लेज नहीं कर सकते हैं और ये रंग आसानी से नजर में आ जाता है। इस क्लिप में शेरनी पूरी फुर्ती के साथ ज़ेब्रा के पिछले हिस्से को बाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ेब्रा अपनी ताकत का कमाल दिखाते हुए पिछले हिस्से को हवा में उछाल कर आगे की टांगों की बदौलत तेजी से भाग जाता है और शेरनी के हाथ कुछ नहीं लगता। ऐसे ही एक और क्लिप देखें, जहां शेरनी सीधे ज़ेब्रा काफ की गर्दन पर वार करती है और उसे अपनी पकड़ में ले लेती है। एक बार को लगता है कि बेबी अपनी जान गंवा देगा, लेकिन मौके पर वहां उसकी माँ आ जाती है। बच्चे को दर्द में देखकर ज़ेब्रा शेरनी पर झपट पड़ती है और बेबी काफ को शेरनी के मुंह से आजाद कराकर उसे अपने साथ लेकर वहां से भाग जाती है। शेरनी के लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल होगा कि अच्छा खासा शिकार उसके हाथ से कैसे निकल सकता है। पोर्क्यूपाइन वर्सेस लियोपर्ड। पोर्क्यूपाइन पर हमला करना बड़े से बड़े जानवर को भारी पड़ता है। यही वजह है कि बड़े जानवर भी इस छोटे से जीव को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस क्लिप में लियोपॉड ने पोर्क्यूपाइन से उलझने की कसम खाई हुई है। उसे अपना शिकार बनाने के लिए तेंदुआ पोर्क्यूपाइन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस छोटे से जीव का केवल एक हमला उसे अपनी गलती का एहसास दिला देता है। आपको बता दें कि पोर्क्यूपाइन के शरीर पर लगे ये कांटे कमाल के होते हैं, जो उसके सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं और इनमें मौजूद जहर दूसरे जानवरों के लिए मुसीबत बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि आकार को देखकर अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। लायन वर्सेस जिराफ। शेरनी अक्सर अपने लिए बड़े शिकार की तलाश करती है, इसलिए ये जीव जिराफ पर भी हमला करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस क्लिप में जिराफ की गर्दन पर हमला करने के लिए अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी को हवा में घुमा लेती है, लेकिन जिराफ की टांग से टकराने की वजह से ये पीठ के बल जोर के गिरती है। अफसोस, जिराफ उसके हाथ से निकल जाता है और उसे इस जीव की टांगों का वार सहना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जबरदस्त हमले जिसका छोटे जानवरों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और खुद को टॉप प्रेडेटर के चंगुल से बचाया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।